अगली खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां परिवहन सुरक्षा स्क्वाड रीवा द्वारा रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी के साथ मिलकर रीवा गोविंदगढ़ मार्ग पर चित्रकूट से सीधी जा रही एवं दूसरी बस सीधी से चित्रकूट जाती छुईया पहाड़ पर यात्री बस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। परिवहन सुरक्षा स्काउट द्वारा लगातार यात्री बसों का चेकिंग अभियान रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। आज चेकिंग के दौरान कामतगिरी ट्रेवल्स की बस सीधी से चित्रकूट बिना परमिट जाती हुई पकड़ी गई, जिसे जब्त कर गोविंदगढ़ थाने में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। दूसरी बस चित्रकूट से सीधी जाती हुई शिवम ट्रेवल्स की बिना परमिट जब्त की गई, जिसे परिवहन कार्यालय रीवा में लाकर सुरक्षा खड़ा कराया गया। बस में यात्रा कर रहे यात्री भूख प्यास से बेहाल थे, जिनको परिवहन सुरक्षा स्क्वाड के स्टाफ के द्वारा यात्रियों को नमकीन बिस्किट के पैकेट और पानी के पाउच बांटे गए और उन्हें आने ट्रेवल्स की बस से सीधी की ओर रवाना किया गया। यह चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 1.5 लाख रुपए का राजस्व रीवा हनुमना एवं चाक घाट से चालानी कार्यवाही के दौरान प्राप्त किया गया। प्रथमा तिथि होने के कारण आज बसों का आवागमन काफी कम रहा। कार्यवाही अभी लगातार जारी रहेगी। नमकीन बिस्किट चला, सब लोग आवा ले ले। बैठी बैठी माता राम बैठी। लेडीज का दही सबका दीजिए, सबको दीजिए। है पूछ जाए नौ को दे बापा की जने का ऊपर दे दे तो दे दो। पकड़ी थोड़ा सा बहन जी, थोड़ा सा साइड हो जाइए। चलिए ऊपर चली बस के अंदर। आप भी सवारी नहीं, आप भी लगवा जाएंगे। जिसका नाम नहीं लिखा बताइए इसमें भैया को, जरा नाम किसका किसका नहीं लिखा है लिखवाई सबके नाम।